1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद से आतंक का चेहरा बना मुंबई का ये डॉन भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर। मुंबई की सबसे बड़ी आतंकी वारदात में 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 800 लोग घायल हुए थे, जिसका मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। 1980 के और 90 के दशक में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह रहे इस डॉन को भारत की पुलिस और कई एजेंसियां आज भी ढूंढ रही है। इसके पीछे इंटरपोल की पुलिस भी लगी हुई है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। रेड नोटिस वही है जो देश से भागे हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता। जब किसी व्यक्ति के ऊपर रेड नोटिस जारी किया जाता है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने देश में कोई गंभीर अपराध किया है, यानी वो दोषी है। वही अरेस्ट वारंट से रेड कॉर्नर नोटिस अलग होता है कि दाऊद ने एक बिजनेसमैन को लूटकर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, फिर इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा था। उसके पिता को इस बात का पता चला तो उसने दाऊद को घर से निकाल दिया था। घर से निकाले जाने के बाद दाऊद मुंबई के उस समय के डॉन करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। करीम लाला से जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सीखने के बाद दाऊद ने अपने भाई साबिर के साथ अलग गैंग बना लिया। अब 1980 के दशक में मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का राज था। दाऊद ने धीरे धीरे इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। मीडिया ने उसके गैंग को नाम दिया डी कंपनी। दाऊद की ये कंपनी हफ्ता वसूली, सट्टा बाजार, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हथियार और ड्रग्स तस्करी जैसी तमाम गैर कानूनी धंधों को अंजाम देती थी। तो ये हो सकती है KGF 3 की कहानी। इसके बारे में हम आगे भी और कुछ जानेंगे। तब तक जुड़े रहे पॉलीग्राफ स्टूडियो के साथ। थैंक यू।